तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी सेकेंड मॉडल पेपर के बारे में। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो पूरे जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड पूरे 50 यानी कि 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि पूरे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपके एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पिछले कई सालों में पूछे भी गए हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी हैं, वीडियो को मिस मत करिएगा। आप जितने भी क्वेश्चन वीडियो में समझेंगे देखेंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। ठीक है, इनमें से आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ था? ऑप्शन नंबर एक 1876, बी नंबर 1902, और सी नंबर है 1889, और डी नंबर है 1880। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है बेशक वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड ही थी, उसमें मैंने कुछ ही क्वेश्चन बताए थे, शायद 20 या 25 क्वेश्चन बताए थे, लेकिन मैंने सोचा कि पूरी एक वीडियो यानी कि पूरे 50 क्वेश्चन की वीडियो बनाई जाए जिससे एग्जाम में स्टूडेंट को हेल्प मिल सके जिससे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम अब आप लोगों के आने वाले हैं तो तैयारी आप लोगों को अच्छे से करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर 1889 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी किसका महाकाव्य है? नंबर एक नागेंद्र, बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर रामचंद्र शुक्ल, डी नंबर अज्ञेय। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी कामायनी, ठीक है, महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन पंचक की रचना कब हुई थी? ऑप्शन आपको मिल जाएंगे 1915, बी नंबर है 1920, और सी नंबर है 1906, और डी नंबर है 1917। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1906, सी नंबर। ओके, सावन पंचक की जो रचना हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक का रचना कौन सी थी? नंबर एक लहर, बी नंबर उर्वशी, सी नंबर आंसू, और डी नंबर है अनामिका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर उर्वशी। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड देखने के ही मिलेंगे। जैसे आप सभी को मालूम है जयशंकर प्रसाद एक बहुत ही अच्छे कवि लेखक हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही एग्जाम में, आपको मालूम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी के कितने पुरुष पात्र हैं? ऑप्शन नंबर एक है 6, बी नंबर 4, और सी नंबर 2, और डी नंबर है 7। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ओके, 2। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम होने हैं आप लोगों को मालूम है कि बीए फर्स्ट ईयर में कुछ यूनिवर्सिटी में रूल्स चेंज हुए हैं, तो उसमें ओमआर शीट पे एग्ज़ाम होता है, जहां पर आपको पूरी ओमआर शीट मिलेगी उस पर आप लोगों को जो क्वेश्चन सही होगा उसको गोला बनाना होगा। ठीक है, मालूम ही होगा आप लोगों को, नहीं मालूम होगा तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ फर्स्ट टाइम रहेगा तो आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कैसे क्या करना है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या का द्वार किसकी कृति है? एक अयोध्या का द्वार है, ठीक है, एक कृति है जिसके जो लेखक हैं या आप कह सकते हैं कि रचनाकार है वो है जयशंकर प्रसाद जी, इसलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। जिन स्टूडेंट को जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखे बेशक उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के बड़े पुत्र का क्या नाम था? नंबर एक है स्कंदगुप्त, बी नंबर है शिखर स्वामी, बी सी नंबर है रामगुप्त, और डी नंबर है स्कंदगुप्त। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र का क्या नाम था? ओके, तो बड़े पुत्र का जो नाम था वो था शिखर स्वामी, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, बड़े पुत्र का नाम था शिखर स्वामी। अगला क्वेश्चन ये है कि चित्राधार किसकी कृति है? राइट आंसर आपको मालूम ही हो गया होगा कि हम आज किस वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी की बात कर रहे हैं, इसलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताते डेली जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो ये भी बोलता हूं कि मैं एक सेपरेट लेखक या कवि की वीडियो बनाता हूं, जिसमें जो भी चाहे वो जयशंकर प्रसाद जी, चाहे हजाय प्रसाद जी, चाहे सूरदास, चाहे तुलसीदास, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसमें सिर्फ एक ही लेखक के या एक ही कवि के क्वेश्चन रहते हैं, मिक्स नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं सेपरेट बनाता हूं जिससे आप लोगों को पूरी डिटेल में एक कवि के बारे में या एक लेखक के बारे में पूरी डिटेल मालूम हो सके। ठीक है, तो सेपरेट वीडियो बनाता हूं, लेकिन एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों के, मैं सोचूंगा कि मिक्स क्वेश्चन कर दूंगा अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए, सेपरेट चाहिए कि स्पेशल एक ही लेखक के, या फिर मिक्स करके मैं वीडियो बनाऊँ।
प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामी किसकी पत्नी थी, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रामगुप्त। ठीक है, ध्रुव स्वामी पत्नी थी रामगुप्त की, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत होता है, ये कथन किसका है। नंबर एक ध्रुव स्वामी, बी नंबर चंद्रगुप्त, बी सी नंबर पुरोहित और डी नंबर है रामगुप्त। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर पुरोहित। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत होता है, ये कथन पुरोहित का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राम प्रसाद जी का एकांकी नाटक कौन है। तो ऑप्शन एक है झरना, बी नंबर कामायनी और सी नंबर है एक घूंट और डी नंबर है आंसू। तो दोस्तों यहाँ पर टाइप करने में थोड़ा मैं लग रहा प्रॉब्लम हुई है, मैं आपको बता दूँ राइट आंसर क्वेश्चन कैसे होना चाहिए। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था दोस्तों, वहाँ पर टाइप करने में मैं आप लोगों से कई बार बोल चुका हूँ टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं उसे आप लोगों को मैनेज करा ही देता हूँ। जयशंकर प्रसाद होना चाहिए, ठीक है, वहाँ राम प्रसाद हो गया, कोई बात नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, ओके, कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी का अंगीरस कौन सा है। नंबर एक करुण, बी नंबर वात्सल्य, सी नंबर शाक्त और डी नंबर है शांत। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर शांत, कामायनी का जो अंगीरस है वो है शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसादकृत प्रेम पथिक किस भाषा में है। तो नंबर एक है मगही, बी नंबर अवधि, सी नंबर ब्रज और डी नंबर है भोजपुरी। तो जो प्रसाद जी की कृति है, ठीक है, यह कृत है प्रेम पथिक, वो भाषा है जिस भाषा में है उस भाषा का नाम है ब्रज, ब्रज भाषा में प्रेम पथिक है। ओके, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम पथिक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। नंबर एक सूर्यकांत पाथी निराला और बी नंबर है नागेंद्र, सी नंबर दिनकर और डी नंबर जयशंकर प्रसाद जी। अभी ऊपर क्वेश्चन आप लोगों ने समझा कि जो प्रेम पथिक थी उसकी क्या लैंग्वेज थी, मैं फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ और आंसर भी आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन का जो आंसर था ब्रज था, ठीक है, ब्रज भाषा। और अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रेम पथिक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, खड़ी बोली में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहर की रचना कब हुई। नंबर एक है 1950, बी नंबर है 1921 और सी नंबर है 1936 और डी नंबर है 1933। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1933 ईस्वी में लहर की रचना हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आ चुका है, आप ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति है। नंबर एक जापान, बी नंबर है अनंत और सी नंबर है उर्वशी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उर्वशी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की जो कृति है वो उर्वशी की होना चाहिए, यहाँ पर के हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकराज की प्रेयसी का क्या नाम है। नंबर एक गंगा, बी नंबर मंदा और सी नंबर ध्रुव स्वामी और डी नंबर है कोमा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सकराज की जो प्रेयसी उनका नाम था कोमा, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामी नाटक की नायिका कौन है। जो ध्रुव स्वामी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, उसमें नायिका कौन है। नंबर एक है कोमा, बी नंबर है श्रेया और सी नंबर ध्रुव स्वामी, डी नंबर है मंदकिनी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नायिका ध्रुव स्वामी ही है, ठीक है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज करने वाला होगा क्योंकि क्वेश्चन में ही ध्रुव स्वामी को पूछा गया है, तो आप सोचेंगे कि ध्रुव स्वामी तो राइट आंसर होगा ही नहीं, लेकिन राइट आंसर उसका हो जाएगा ध्रुव स्वामी ही, सी नंबर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का महत्व की रचना कब हुई। एक कृति है या आप कह सकते हैं एक रचना है जिसका नाम है महाराणा प्रताप का महत्व, ठीक है, महाराणा इसमें लिखा है फिलहाल, महाराणा का महत्व। तो ये रचना कब हुई थी। नंबर एक है 1914, बी नंबर है 1913 और सी नंबर है 1911 और डी नंबर है 1915। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1914। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम राज्य किसकी रचना है। नंबर एक रामधारी, बी नंबर पंत, सी नंबर जयशंकर प्रसाद, डी नंबर अज्ञेय। राइट आंसर आपको मालूम ही होगा सी नंबर जयशंकर प्रसाद जी। ओके, अगला क्वेश्चन है, हिंदी का मेघदूत प्रसाद की किस रचना को कहा जाता है। नंबर एक आंसू, बी नंबर लहर, सी नंबर राजश्री और डी नंबर विशाख। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, हो जाएगा आंसू, ओके, ए नंबर। क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा कि हिंदी का मेघदूत प्रसाद कि किस रचना को कहा जाता है, आंसू को कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कामायनी में कौन सा दर्शन है। नंबर एक यथार्थवाद और बी नंबर है प्रगतिवाद, सी नंबर आनंदवाद और डी नंबर इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आनंदवाद। ओके, कामायनी में जो दर्शन है वो आनंदवाद है। क्वेश्चन अगला है, कामायनी में कितने स्त्री पात्र हैं? नंबर एक 8, बी नंबर 2 और सी नंबर 12, डी नंबर 15। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? जिन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट करके आप बता सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जयशंकर प्रसाद कृत आंसू में कितने छंद हैं? ऑप्शन एक है 138, बी नंबर है 198 और सी नंबर 175, डी नंबर 133। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर 133। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू में जो छंद की संख्या है वो है 133, ठीक है, यानी 133। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रभात किस संग्रह से संकलित है? नंबर एक अनामिका, बी नंबर झरना, सी नंबर प्रेम प्रतीक और डी नंबर है आंसू। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर झरना। जो प्रेम प्रथम प्रभात है, ठीक है, वो झरना संग्रह से संकलित है। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि कामायनी का तीसरा सर्ग कौन सा है? नंबर एक है ईडा, बी नंबर चिंता और सी नंबर श्रद्धा और डी नंबर है आशा। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक कमेंट करके बता सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर श्रद्धा। ओके, तीसरा जो सर्ग है वो है श्रद्धा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम राज्य का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? नंबर एक है 1968, बी नंबर है 1909 और यानी कि जी यानी कि सी नंबर है 1945, एच नंबर है यानी कि डी नंबर 1940। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 1909। ओके, एफ नंबर यानी कि बी नंबर 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ध्रुव सामनी नाटक में रामगुप्त का प्रधान सलाहकार कौन था? नंबर एक रामगुप्त, बी नंबर श्रीचंद और सी नंबर है मिहिरदेव और डी नंबर शिखर स्वामी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर शिखर स्वामी। ओके, जो प्रधान सलाहकार था उसका नाम था क्या था? शिखर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, शकराज ने रामगुप्त से क्या मांगा था? नंबर एक हीरा, बी नंबर सोना और सी नंबर है चांदी, डी नंबर ध्रुव स्वामी। तो राइट आंसर आपको मालूम ही होगा कि ध्रुव स्वामी मांगा था, ठीक है, शकराज ने रामगुप्त से ध्रुव स्वामी मांगा था। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामी नाटक में सम्राट समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र का क्या नाम था? नंबर एक स्कंदगुप्त, बी नंबर चंद्रगुप्त, सी नंबर शकराज, डी नंबर रामगुप्त। अभी ऊपर आपने क्वेश्चन एक पढ़ा था कि सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि छोटे पुत्र का क्या नाम था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर चंद्रगुप्त। ओके, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, शकराज लोप्रियसी का क्या नाम था? शकराज लोप्रियसी का क्या नाम था? नंबर एक ध्रुव स्वामी, बी नंबर मंदा, सी नंबर गंगा और डी नंबर कोमा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर मंदा। ओके, अगला क्वेश्चन है, अभी आपने इसी तरह का शायद ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफर है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर एक जौनपुर, बी नंबर आजमगढ़, सी नंबर काशी और डी नंबर अजमेर। तो ये इनके जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर काशी में हुआ था, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद की माता का नाम था या जयशंकर प्रसाद की माता का क्या नाम था, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे रजनी, बी नंबर है मुन्नी देवी, सी नंबर रूपमणी और डी नंबर है अंजनी। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी नंबर मुन्नी देवी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की माता का नाम मुन्नी देवी था। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या था? नंबर एक रघुराज, बी नंबर रामधर, सी नंबर जगधर और डी नंबर कलाधर। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, कलाधर। जयशंकर प्रसाद का जो उपनाम था वो था कलाधर। राइट आंसर डी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था? नंबर एक तुलसीराम, बी नंबर हरिनाम, सी नंबर है देवी प्रसाद और डी नंबर दीनदयाल। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था देवी प्रसाद। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सावन पंचक किस पत्रिका से प्रकाशित हुई है? नंबर एक सुधा, बी नंबर है चांद, सी नंबर है भारतीय और डी नंबर है प्रतीक। तो जो सावन पंचक है, ठीक है, वो किस पत्रिका से प्रकाशित है? उसका नाम है भारतेंदु। ओके, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
जयशंकर प्रसाद के गुरु का क्या नाम था? नंबर एक नरिहरदास, बी नंबर है रहीम दास, और सी नंबर है मोहिनीलाल, और डी नंबर है नंददास। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जयशंकर प्रसाद के गुरु का नाम था मोहिनीलाल, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी थी? नंबर एक कामायनी, बी नंबर सज्जन, और सी नंबर है सावन पंचक, डी नंबर झरना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सावन पंचक। ओके, सावन पंचक। अगला क्वेश्चन है, कामायनी का पहला सर्ग कौन सा? अभी आपने ऊपर पढ़ा था शायद तीसरा सर्ग, ठीक है, लेकिन ये कह रहा पहला सर्ग कौन था? नंबर एक चिंता, बी नंबर आशा, और सी नंबर श्रद्धा, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला सर्ग था उसका नाम था चिंता, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि कामायनी की रचना कब हुई थी? नंबर एक है 1960, बी नंबर है 1915, और सी नंबर है 1930, और डी नंबर है 1935। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कामायनी की रचना हुई थी उस सन में हुई थी, वो सन था क्या था? 1935 में हुई थी, ठीक है, कामायनी की रचना। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ध्रुव सामनी नाटक किसका है? तो आप लोगों को राइट आंसर मालूम ही है, ठीक है, कि ध्रुव सामनी की बात कर रहे हैं और जयशंकर प्रसाद जी की है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव सामनी नाटक में कितने अंक है? नंबर एक 8, बी नंबर 3, और सी नंबर है 4, और डी नंबर है 10। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3, यानी कि बी नंबर, नाटक में 3 अंक है। अगला क्वेश्चन है एक ध्रुव सामने नाटक का खलनायक कौन था? नंबर एक शकराज, बी नंबर अस्कंदगुप्त, सी नंबर मिहिरदेव, और डी नंबर है बौना। तो जो खलनायक था वो था शकराज, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी ने कुल कितने नाटकों की रचना की है? नंबर एक 50, बी नंबर है 25, और सी नंबर है 35, और डी नंबर 14। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो नाटकों की कुल संख्या है वो है 14, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, 14। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव सामनी की रचना कब हुई थी? नंबर एक 1950, बी नंबर है 1930, और सी नंबर है 1933, और डी नंबर है 1900। तो ध्रुव सामनी की जो रचना हुई थी वो हुई थी 1933 में, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? 1933। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी आपको एक क्वेश्चन ऊपर दिखा था कि कामायनी की रचना कब हुई थी, तो आपने देखा, ठीक है, और उसके बाद ध्रुव सामनी है, तो ये दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों को आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी रचना किस सन में हुई, ठीक है। तो ध्रुव सामनी आपकी 1933 में हुई है, और कामायनी आपने ऊपर पढ़ाई है, ठीक है, देखा ही मैंने बताया है। तो अगला क्वेश्चन है, विशाख किसकी रचना है? नंबर एक महादेवी वर्मा, बी नंबर जयशंकर प्रसाद, और सी नंबर है मोहन राकेश, डी नंबर रामचंद्र शुक्ल। तो जो विशाख है वो आप लोगों को राइट आंसर मालूम ही होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लहर किसकी कृति है? नंबर एक निराला, बी नंबर हरिवंश राय, और सी नंबर जयशंकर प्रसाद, डी नंबर अज्ञेय। तो जो लहर है वो जयशंकर प्रसाद जी की कृति, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं? अभी आपने ऊपर पढ़ा कि सबसे प्रथम सर्ग कौन सा है और तीसरा सर्ग कौन सा है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं? नंबर एक 8, बी नंबर 15, सी नंबर 5, और डी नंबर 7। तो जो कामायनी में, उस ऊपर क्वेश्चन थोड़ा डिफर था, शायद आपने क्या पढ़ा था, आपने ऊपर देखा ही होगा जो भी आपको मैंने बताया था। क्वेश्चन ये वाला थोड़ा कन्फ्यूज करने वाला है, मैं आपको बता दूँ कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो कामायनी है, कामायनी में कितने सर्ग हैं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। ओके, यानी कि बी नंबर, कामायनी में जो सर्ग की संख्या है 15 है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम राज्य किसकी कृति है? नंबर एक यशपाल, बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर नरेंद्र शर्मा, और डी नंबर महादेवी वर्मा। तो प्रेम राज्य जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम प्रभात की रचना कब हुई? आपने भी क्वेश्चन पढ़ा था ऊपर, प्रथम प्रभात जिससे रिलेटेड, यानी प्रथम प्रभात जो रचना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने पढ़ा ही है। तो जो प्रथम प्रभात कृति है, ठीक है, उसकी रचना कब हुई थी? तो ऑप्शन आपको 1914 मिल जाएगा, 1935 मिल जाएगा, और 1918, 1919।
तो क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, 1918 ईस्वी में। तो दोस्तों पूरे जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड पूरे 50 यानी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अभी आप वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो देखिएगा, आप लोगों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। और जिन स्टूडेंट का जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है आपके एग्ज़ाम पे, यानी कि आपके जो भी आपने ख़रीदा है, जैसे कि सीरीज खरीदी है, क्वेश्चन बैंक खरीदा है, तो आप लोगों को उन सब पे फोकस करना है। और जो मैं वीडियो बनाता हूँ इस पे भी आप लोगों को अगर टाइम मिलता है तो आप दोबारा फिर से देखा करिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में पूरी हेल्प मिल सके, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन बताऊँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों की जितना भी हो सके मैं उतना सपोर्ट कर सकूँ। तो दोस्तों जिन भी स्टूडेंट का मैं बता दूँ, जो भी स्टूडेंट हैं जिनका भी एग्ज़ाम है, उनको मैं यही बोलना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है। और एग्ज़ाम देके आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि मेरे द्वारा बताए गए कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसे हैं, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन, मेरी वेबसाइट है जहाँ पर लिखा है sandeepinfo.com, उस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हो जाएंगे आप वेबसाइट पर। तो वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन आपको PDF में और बहुत सारे क्वेश्चन वेबसाइट पर उसका क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको मिल जाएगा। बहुत सारे कवि से रिलेटेड मैंने भी ऊपर यानी कि वेबसाइट पे क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको और भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो डेली आप मत भूलिएगा, 7 बजे मेरी क्लासेस अपलोड कर दी जाती है, तो आप डेली से ज्वाइन करिए, ओके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।